नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। फिलहाल मैं मौजूद हूं गोराडी प्रखंड के खुटाहा ग्राम पंचायत में। यहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से जो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद वो अपने गांव आकर गांव की कुछ सेवा करना चाहते हैं, गांव में कुछ विकास करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी जज्बात थी जिसको लेकर कि आपने देश सेवा छोड़ा और ग्राम सेवा में आपने अपना कदम रखा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सबसे पहले जो अहम सवाल है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि आपने नौकरी छोड़कर गांव को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने का सोचा? जी, ये जो नौकरी छोड़ कर के गांव का सेवा करने का जो मन बनाया वो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी की वजह से हुआ। उनसे प्रेरणा मिली, उनको मैंने देखा था काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा में थे, जिसके कारण मुझे लगा कि उनका साथ देना चाहिए। बस यही एक बड़ा कारण है। ग्रामीण चुनाव में पिछले दो ढाई साल से राजनीतिक तैयारी की जा रही है, स्टंट किया जा रहा है और मैं भी चुनाव को लेकर काफ़ी दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जिसने सरकारी नौकरी छोड़ा हो और फिर ग्रामीण सेवा, गांव की सेवा करने के लिए वो आगे आया हो। आप पहले से प्रत्याशी हैं और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ऐसे युवाओं की ज़रूरत है हमारे समाज में और हमारे जनता को भी वैसे ही प्रत्याशियों को अपना मत देना चाहिए जो गांव की विकास करने में अपना भागीदारी निभाएं। और दूसरा सवाल देवेंद्र भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले कुछ वक्तों से गांव में हैं, लगातार आपने वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी और गांव में हैं। अपने ढाई साल में, दो साल में क्या ऐसा देखा गाँव में जिससे लग रहा है कि आपको यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है या इन चीज़ों के विकास की ज़रूरत है? कुछ ऐसे एक दो मुद्दे, कुछ ऐसे एक दो चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैंने बहुत कुछ देखा जिसमें मुख्य मुद्दों को मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैंने देखा कि इस क्षेत्र में अपराध का बोलबाला था जिसे कम करने की कोशिश किया हूँ। दूसरा बात था कि भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, लूटपाट खुलेआम होता था यहाँ पे। राशन पानी, जो राशन है कई लोगों को, गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, वो राशन जो है लोग खा जाया करते थे। महीना, एक महीना वितरण होता था, दूसरे महीना का साफ खा जाते थे। वो समय भी हमने देखा है जिसमें काफ़ी सुधार किया है मैंने। रोड नाला कागजों पे बन जाया करता था, आज भी मैंने देखा है कई है ऐसे जो कागजों पे उठ चुका है पेमेंट, बट समय का इंतजार है। यही मुख्य है। दो ढाई साल से आपने इन सभी समस्याओं का निराकरण किया, तो आखिर अब चुनाव लड़ते वक्त क्या मुद्दा है आपके मन में? आप अपने वोटरों से किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंचायत हमारा है और पंचायत सरकार भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है। आदर्श ग्राम पंचायत हमारा अब तक नहीं बन पाया है। हम लोगों को चढ़ने के लिए, बाईपास पे चढ़ने के लिए रोड नहीं है। कई गलियां ऐसी है जहां पे कादो कीचड़ आज भी है। कई जगह ऐसे हैं जहां पे काम नहीं हुआ ठीक से, उन सबको ठीक करना है। समाज को शांति सद्भाव के रास्ते पे लेके चलना है, भय का माहौल को समाप्त करना है, गरीब गुरबों को मदद करना है। जी, ग्रामीण क्षेत्र की बहुत हद तक विकास की जिम्मेदारी मुखिया की होती है, जिला परिषद की होती है, वार्ड सदस्य की होती है और इन सभी, इन्हीं तीनों ने को मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना होता है। आपको क्या लगता है, जब से पंचायती राज शुरू हुआ, मुखिया बने, जिला परिषद बने, वार्ड सदस्य बने, क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में वैसा विकास हुआ कि बोला जाए पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में कुछ ऐसा विकास हुआ है कि आपके गांव में कुछ देखने को मिला, यहां की जनता खुश हुई, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? एक दो एग्जांपल अगर आपके समाज में कुछ ऐसा हुआ हो तो। कुछ काम मैंने या मेरे पिताजी के द्वारा किया गया है, जैसे तलठोका नदी के ऊपर पुल का बनवाना, दहला से बनगाँव खुटहा तक रोड का बनवाना, या बरेठा रोड बनवाना, या महावीर स्थान जहाँ पे भादो बैसाख में भी कीचड़ हुआ करता था, वहाँ पे हम लोगों ने हमारे प्रयास से रोड बना। तो बहुत कुछ है, प्रगति हमने किया है, बाकी बहुत कुछ बचा है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। आपके पंचायत के लोग आपको जानते हैं और आप पर यकीन करते हैं, खासकर युवाओं का बहुत ही ज़्यादा साथ है आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके नौकरी के समय की बातें, जब आप आर्मी में थे कैसा होता था वहाँ का माहौल, किन सब बातों को लेकर चर्चा होती थी, गाँव की चिंता होती थी, यहाँ को लेकर क्या मन में लगा रहता था आखिर? सेना में जब मैं रहता था तो सेना का कर्तव्यों को करते हुए मैं अपने गांव के कर्तव्यों को भी पूरा करता था। वहां से भी मैं यहां का देखभाल करता था, फ़ोन के द्वारा भी या आकर के 2-3 महीने समय मिलता था उसमें भी मैं समाज के बीच में समय देता था।
और छोटे बड़े कार्यों को पूरा करने की कोशिश करता था और कई कार्यों को किया भी है मैंने। और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा ही था, बहुत आराम भी था, काम भी था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ आराम नहीं है, सिर्फ काम ही काम है। 24 घंटे में 18 घंटा रनिंग में रहते हैं, 18 घंटा लगातार गांव के अंदर में कुछ न कुछ काम करना, कुछ न कुछ सोचना, सिर्फ गांव के बारे में। कहाँ पोस्टेड थे आप? देश की सेवा करने वाला जवान यदि ये बोले कि वहाँ आराम था और यहाँ काम ही काम है, तो आप समझ सकते हैं गांव को कितने विकास की ज़रूरत है, कितना जीर्णोद्धार होना अभी बाकी है। आप बताइए कि आप कहाँ पोस्टेड थे, क्या हुआ, ऐसा कुछ एक ऐसी बातें जिसको लेकर कि आपको लगा कि आपके गाँव में इन सब चीज़ों का होना अत्यंत ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ों का आप हमारे दर्शकों तक वर्णन करें। मैं अंतिम समय में बारामूला में पोस्टेड था, उससे पहले दिल्ली, लखनऊ, पुलवामा, गुवाहाटी, इन सब जगहों पे, कोटा, इन सब जगहों पे सर्विस दे चुका था। अंतिम समय में बारामूला था, जहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा भय का माहौल था। गाँव के लोग जल्दी बोलना नहीं चाहते थे किसी के विषय में, काम के विषय में, कोई मुद्दा है, काम ठीक से नहीं होता है, फिर भी कोई बोलना नहीं चाहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको एक आवाज़ दूँ, और वो आवाज़ दिया और आप लोगों के सामने वो आवाज़ अभी गूंज रहा है। क्या लगता है आपको, वर्दी पहनकर देश की सेवा करना और गांव में रहकर ग्रामीण स्तर पर गांव की सेवा करना, इन दोनों में कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं या फिर दोनों ही आसान है? मुझे लग रहा है दोनों ही आसान है, बस सोच होनी चाहिए सकारात्मक। एक और सबसे अंतिम सवाल और सबसे अहम सवाल ये कि आम आदमी की ज़िंदगी या फिर ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो देश सेवा में तत्पर है, जो आर्मी में है, फौज में है, देश की सेवा कर रहे हैं, इन दोनों की ज़िंदगी में ऐसी क्या कठिनाइयां होती हैं, आम कोई कठिनाइयां यदि आपके आपके जो युवा वोटर हैं उनको आप कुछ बताएं, उनको आप इस चीज़ों को लेकर अवगत कराएं। नहीं, जो बॉर्डर लाइन पर बैठा हुआ है वो काफ़ी ट्रेंड होता है, उसे ट्रेंड किया जाता है सेना के द्वारा, और वो वहाँ की परिस्थितियों को भांपते हुए अपना कर्तव्य को निभाते हैं। उसी तरह जब हम गांव में आते हैं तो गांव की चुनौतियां कुछ अलग ही होती हैं, जिसे जिसमें बहुत कुछ सहन शक्ति होनी चाहिए तभी वो गांव को संभाल सकता है। यदि सहन शक्ति आपके पास नहीं है, जज्बा नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, वो व्यक्ति गांव को नहीं संभाल सकता है। एक अहम सवाल देवेंद्र भाई, क्योंकि आपके साथ युवाओं की टोली है, युवा कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं, आप पर यकीन कर रहे हैं, आप अपने वोटरों को, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने कुछ इस वर्षों में कलम से समाज का उद्धार किया, समाज का कल्याण किया, समाज के लोगों को जगाया और उनके लिए दिन और रात एक कर दिया, तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो भी दिन और रात एक कर दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवेंद्र भाई, इन्होंने समाज को लेकर बहुत सी ऐसी बातें बताई, समाज के लिए काम करने का इनका जज्बा साफ दिखाई पड़ता है। इनके साथ युवाओं की टोली है, युवा कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव का नतीजा क्या होता है। ये वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जै, जै।